सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओप्पो के F17 प्रो के बारे में। दोस्तों ये ओप्पो का एक लेटेस्ट डिवाइस है जिसमें आपको काफ़ी भर भर के फीचर दिए गए हैं। दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 2555 रुपये में आपके पास आ सकता है। दोस्तों आप ऐसे 2555 रुपये कैसे मंगा सकते हो, इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना होगा जिससे आपको आसानी समझ जाएगा। दोस्तों वीडियो शूट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा सीक्रेट तरीका बताता हूं कि आप इस फ़ोन को 2555 रुपये कैसे मंगा सकते हो और इस फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों ओप्पो का F17 प्रो आपको फ्लिपकार्ट पर 23,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इसे 2555 रुपये कैसे मंगा सकते हो ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर की। दोस्तों इसमें हमें 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है। दोस्तों जिन लोगों को एक ऐसा फोन चाहिए जिस डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो तो आप इस फोन को बिना टेंशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। प्लस दोस्तों इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम्पैक्ट है जिससे आपके हाथों में आसानी से ग्रिप में आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे यूज करते टाइम। और दोस्तों इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में 4 कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों इसके फ्रंट में भी दोस्तों आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों कैमरे के मामले में भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें दोस्तों कैमरे की डिज़ाइन दी गई है वो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके दी गई है, आपको आईफोन 11 वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि दोस्तों आईफोन 11 का जो कैमरा है सेम उसी तरीके से इसमें आपको कैमरा सेटअप दिया गया है। और दोस्तों फ्रंट में भी दोस्तों आपको डुअल कैमरा दिया गया है तो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों डिज़ाइन में भी दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसके बैक पैनल की बात करें तो इसमें आपको मैट फिनिश की शाइनिंग दी गई है जो कि दोस्तों काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। दोस्तों जिन लोगों को ऐसा फोन चाहिए जो एक शाइनी हो जिसमें दोस्तों आपको आपके हाथों में ग्रिप हो जाए और दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगे, दोस्तों आप इस फोन को बैटरी टेंशन ले सकते हो। दोस्तों इसकी मेमोरी की बात करें तो इसका दोस्तों जो बेस वेरियंट है वो भी दोस्तों आपको 8GB प्लस 128GB का मिलता है। तो मेमोरी और दोस्तों रैम को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं मिलेगी, दोनों ही आपको इसमें भर के दी गई हैं। दोस्तों हर तरीके से दोस्तों ये फोन काफ़ी अच्छा है। इसमें सिर्फ जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना है, मीडियाटेक का हीलियो P95 जो कि दोस्तों एक थोड़ा छोटा प्रोसेसर है रेट के हिसाब से, बट दोस्तों अगर आप हैवी गेमिंग नहीं करते हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दोस्तों बैटरी बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ दोस्तों आपको 30W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दोस्तों आपका ये फ़ोन एक दिन का बैटरी को आसानी दे देगा। और दोस्तों आपका ये बैटरी एक दिन से पहले ख़त्म भी हो जाती है तो आप इसे फटाफट चार्ज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो फास्ट चार्जर है 30W का वो आपको साथ में मिलेगा इस बॉक्स के अंदर। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको ईयरफोन भी देखने को मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको इस फोन के साथ। दोस्तों इस फोन में आपको सभी कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों ये ओप्पो का लेटेस्ट डिवाइस है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि ये फ़ोन किन लोगों के लिए है और किन लोगों के दोस्तों ये नहीं है और ये फ़ोन आपको 2555 रुपये कैसे पड़ सकता है। दोस्तों जिन लोगों को ऐसा फोन चाहिए जो एक कॉम्पैक्ट साइज हो जिसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो और दोस्तों कैमरा अच्छे दिए गए हों ओप्पो के ब्रांड ने हो, दोस्तों आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं। दोस्तों इसके जो फिंगरप्रिंट है वो भी दोस्तों आपको डिस्प्ले दिया गया है जो दोस्तों काफ़ी फास्ट है। दोस्तों जिन लोगों को ऐसा फोन चाहिए जो एक छोटा हो, ज़्यादा बड़ा फोन ना हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई हो, ओप्पो की ब्रांडिंग हो और दोस्तों कैमरा अच्छी दी गई हो तो वो लोग इस फोन को ले सकते हैं। बट दोस्तों जिन लोगों को ऐसा फोन चाहिए जो ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं, उन्हें ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, दोस्तों उन लोगों के लिए ये फ़ोन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग करोगे तो इसका प्रोसेसर भी दोस्तों इतना अच्छा नहीं है और प्लस दोस्तों इसकी बैटरी भी काफ़ी छोटी है और फोन के मुकाबले। दोस्तों जिन लोगों को ज़्यादा गेमिंग करने का शौक होता है उन लोगों के लिए दोस्तों ये फ़ोन नहीं है। बट जिन लोगों को एक ऐसा फोन चाहिए जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो और ग्रिप हाथों में अच्छे से हो जाए प्लस दोस्तों कैमरा अच्छी दी गई हो तो वो लोग इस फ़ोन को आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस फ़ोन की प्राइस की कि आप इस फ़ोन को 2555 रुपये में अपने घर पर कैसे मंगा सकते हो। दोस्तों अभी क्या है फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है तो जब दोस्तों आप इसे परचेज करोगे फ्लिपकार्ट से तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आ रहा है EMI वाला। दोस्तों अगर आपके पास बजाज फाइनेंसर का कार्ड है तो आप ऐसे EMI मंगा सकते हो जिसके दोस्तों 1st EMI आपको 2555 रुपये देनी है। यानी दोस्तों अगर आप सिर्फ 2555 रुपये 1st EMI पे करते हो इसकी तो ये फ़ोन आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाएगा, आपके पास दोस्तों ये फ़ोन आ जाएगा। और दोस्तों मंथली की जो किस्तें हैं वो आपको मंथली देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे सिर्फ 2555 रुपये मंगा सकते हो ओप्पो के F17 प्रो को। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा
कि इस फ़ोन में आपको क्या कितने मिलता है और किन लोगों के लिए दोस्तों ये फ़ोन है और किन लोगों को ये फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों आप इस फ़ोन को 2500 रुपये कैसे मंगा सकते हो, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।